Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
ओमज्ञानतिमिरामुदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातौ सङ्कीर्तनैकभितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। वैदग्ध सिंधुर अनुरागैक सिंधु वात्सल्य सिंधु रनुराग कृपा श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कैसे स्वयं भक्तों की सेवा करते थे और सेवा करते हुए जीवों को शिक्षा देते थे। जब तक हम किसी साधुओं का सेवा नहीं करें, जब तक हमारे ऊपर में साधु गुरु वैष्णव का कृपा नहीं हो, तब तक भगवान हमारे ऊपर में कृपा नहीं करते हैं। इसलिए सबसे सरल उपाय है भगवत कृपा प्राप्त करने का। क्या सरल उपाय है? कि तो भक्तों का सेवा करो। इसलिए हर शास्त्र क्या कहता है, मैं कौन हूँ? बोले भक्तों का मैं भक्त हूँ। इसलिए तो भृत्य माम स्मर लोकनाथ। कहते आप कृपा करके मेरे को क्या समझो, आपका नौकरों का नौकर में। इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं, कपि भरतु पद कमलयो दास दासान दास। प्रभु मैं कौन हूँ? कहते मैं हूँ गोपियों का भरता जो कृष्ण है, उनका दासों का मैं दास हूँ। श्री मित्रासुर क्या कहते हैं, आम हरे तब पादय कमूलम दासान दास भवितास। हे प्रभु मेरे मन में एक ही इच्छा है, बोले दासानुदास भवितास में, जैसे मैं आपका दासों का मैं दास बन सकता हूँ। क्यों? कहते दासों का दास बनने से इसमें क्या लाभ है? कहते सारे कृपा उसको पर होता है। जैसे घर में देखना, जो सबसे छोटा होता है ना, उसको सबसे नया करते, बड़ों को कोई प्रति नहीं करते। जैसे कहीं बाहर जाओ, किसी मेला कहीं पर जाओ, जब घर में आओ ना, क्या सोचते हैं, भैया छोटू के लिए क्या ले जाएंगे, हैं छोटे के लिए क्या लेकर आते ही तो जाते ही आएगा, मेरे लिए क्या लाए हो। सबके सब उसको स्नेह करते हैं, घर में बढ़िया चीज उसको खिलाते हैं, उसको सबसे सबके सब उसको गोद में लेते हैं, सबके सब उसको घर में प्रेम करते हैं। लेकिन एक बड़े व्यक्ति को जगत में कोई प्रेम नहीं करता है। इसलिए छोटा होना अच्छा है, बड़ा होना अच्छा नहीं है, बड़ा है ना अच्छा नहीं, छोटा होना अच्छा है। इसलिए इनको सारे रस का जो प्राप्ति है ना, इनको ही होता है। इसलिए जैसे जब भगवान कृष्ण सबसे पहले प्रसाद पाते हैं, उसमें क्या लग गया, भगवान के अधरामृत लगा, फिर वो प्रसाद वो कौन पाती हैं? कहते श्री राधा रानी। फिर वो प्रसाद में किसका प्रसाद हो लग गया, कृष्ण का भी प्रसाद और श्री राधा रानी का अधरामृत है। फिर उसको ललिता विशाखादि प्रसाद पाए, फिर इसमें प्रसाद किसका हो गया, राधा कृष्ण और श्री ललिता की। फिर उसको बाद में श्री रूपमंजरी पाई, फिर प्रसाद में सभी का अधरामृत हो गया। उसको जब रति मंजरी को पास में आती हैं, कहती ये सबका अधरामृत रति मंजरी को मिलता है।
जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर के पास में आते ही सबके सब रस इनको मिलता है, जब श्री प्रभुपाद को पास में आया बल ये सबका जो अधरामृत है इनको मिला, जब श्री भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज को पास में आया सब मिला, लेकिन जब नारायण गोस्वामी महाराज को पास में आया कहते ये सबका जो अधरामृत सबसे किसको मिला ज्यादा, सबसे जो नीचे है। लेकिन वो जब हम लोग को प्रसाद पाए, जब वो प्रसाद हमें पाए कि सबका किसका रस मिला, ये सबका जो प्रसाद है किसको मिला है, हमें मिला, इसलिए हम लोग ज्यादा सौभाग्यवान हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा सौभाग्यवान हमें हैं, इसलिए इसलिए कलयुग में महाप्रभु वही चीज को देने के लिए आए, मंजरी भाव को, चैतन्य महाप्रभु मंजरी भाव को देने के लिए आए। ये तो उम्र से छोटी है लेकिन बड़े खोटी है, कहते सबका सेवा जो इनको, सबके सेवा इनको प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु स्वयं अपना जीवन में भक्तों की सेवा करते हुए शिक्षा देते हैं क्या करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे नैसांग मति स्तावत गुरु क्रमांग्री स्पिसार्थ अनार्थ अपगवम जदर्थ, उसके बाद में मय्य संपाद रजो विषयकम, क्या बोलो, निष्किंचना नाम न प्रणित जावत। इसलिए प्रहलाद महाराज भी पिताजी को कहते, बोले पिताजी तब तक ये मति भगवान के चरण में नहीं लगेगी जब तक कि किसी महान पुरुष का, साधु का कृपा नहीं हो, भले ही जीवन में जो कुछ कर लो ये मति किसी तरह से भगवत चरण में लग ही नहीं सकता है। इसलिए इसलिए यहाँ पर हैं, इसलिए भगवान दुर्वासा का प्रति भी यही बात कहते हैं, क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीन ज स्वतंत्र की वधिज साधु भी ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जन। अभी सब श्लोक तुम्हारी याद आ रही है, जो अभी जो एक एक श्लोक तुम लोग याद कर रहे हैं ना, वो एक एक श्लोक नहीं, एक एक आटोम बोम है, एक एक आटोम बोम, और एक एक श्लोक नहीं, हमारे जो बड़े गुरु जी कहते थे ये एक एक श्लोक अरब खरब रुपया है, एक एक अरब खरब रुपया है, एक बार तो इसको याद कर रहे हो, देखना ये जिंदगी भर है ये श्लोक, जिंदगी भर यही बात, जब शास्त्र पढ़े देखो जितना श्लोक बोलता हूँ पहले तुम लोगों को याद, सबकी एक बार इसको याद कर लेना बस, जीवन भर के लिए है, जो नीम पत्ता होता है ना कड़वा होता है, मुंह के लिए कड़वा लेकिन पेट में जाए तो बढ़िया, मुंह के लिए कड़वा लेकिन पेट में जाए ये बढ़िया है। अब इस श्लोक याद करने के लिए दिन भर रटते हैं, दिन भर है, दिन भर रटते हैं, क्या हम भक्त पराधीन जय स्वतंत्र जय, हम भक्त पराधीन जय स्वतंत्र जय, हम भक्त पराधीन कितना बार रटते हो, हजार बार करते करते फिर यहाँ पर आकर के एक बार बोल देते, फिर चैन आता है, बोल दिया तो चैन आ गया, लेकिन जब याद हो जाएगा ना, देखना जिंदगी भर यही आई। इसे देखना यहाँ पर सारे प्रभुपाद सारे वही श्लोक को यहाँ पर कोटेशन किया है, इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं मैं स्वयं भक्तों का अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता मेरा कोई नहीं, इसलिए कहते बस कुर्बंती माँ भक्त्या सत पत्नी सत पति जथा, जैसे एक पति प्रथा नारी वो क्या करती है, पति की सेवा करते 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 इतने बसीभूत कर देता है, इतने बसीभूत कर देता है, पति दिन भर काम करेगा, दस दस घंटा काम करेगा, आठ आठ घंटा, और पूरा महीना का जो पैसा लाकर किसको देता, किसको देता है, पत्नी को सारे पैसा, अगर पति को कोई जरूरत पड़े ना, दस रुपया की सौ रुपया बोले सौ रुपया दे तो पत्नी बोलेगी इतना पैसा क्या करोगे, इतना पैसा क्या करना क्या है, बोले दो ना, बोले बोलो ना क्या करना, बोले ये करना, बोले पचास रुपया में हो जाएगा, सौ रुपया लेकर क्या पचास रो लेकिन कमाया किसने, पति ने कमाया, लेकिन पत्नी को हाथ में चली गई ना, वाह वाह फिर तो निकलना बड़ा कठिन है, बोले क्यों, कारण क्या, बोले पत्नी सेवा करती है, पत्नी सेवा करती, पति को विश्वास है कि कभी एक पैसा भी इधर उधर नहीं करेगी, पूरा के पूरा संसार को एक पैसा इतना अच्छी तरह से है, पति तो बाहर का काम कर लेता है लेकिन घर का काम पत्नी करती है, बोले पत्नी का पति का इतना विश्वास क्यों है, बोले क्यों वो सेवा करती है, वो सेवा करती है, इसलिए भगवान के तो बस चकुर्बंती
माँ भक्त्या, भक्त भी ऐसे ही मेरे को वसीभूत कर देता है। जब भक्त कहते ना उठो, तब मैं उठता हूँ, बोले बैठो, फिर मैं बैठता हूँ, बोले कंधे पर चढ़ाओ, हैं कंधे पर चढ़ाओ, मैं कंधे पर दाम श्री दाम को मैं कंधे पर बैठा लेता हूँ, भैया बैठ जाओ कंधे पर, हैं फिर मैं घोड़ा बन जाता हूँ, चलो ये पाठ बन से लेकर के हैं कहाँ तक भांडरी बैठते, चलो घोड़े बन करके बस भगवान चलते। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं महाप्रभु है क्यों भक्तों का सेवा कर रहे हैं, बोले कारण है भक्त लोग भगवान को वसीभूत कर देते हैं, अपना भक्ति को द्वारा वसीभूत कर देते हैं, इसलिए साधवी ग्रस्त हृदय। इसलिए क्या करते हैं कहते जो साधु का है, कहते जैसे साधु का हृदय में मैं संपूर्ण रूप में मेरे को अपना हृदय में वो बैठा लेता है, संपूर्ण रूप मेरे को हृदय में बैठा लेता है, बाप मेरे हृदय को संपूर्ण रूप में ग्रास कर चुका, बोले कौन है, है? कहते ये भक्त है। इसलिए साधव हृदय मुह्यम साधु नाम हृदय तु हम मद अन्यत ना जानती ना अहम तिप मनागपी है। इसलिए कहते साधु मेरे हृदय में बैठा और मैं साधु के हृदय में बैठता हूँ, साधु मेरे को छोड़ करके कुछ नहीं जानता, मैं भी साधु को छोड़ करके कुछ मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए और कृष्ण मुचुकंद का प्रति कहते हैं, है बोले कृष्ण का प्रति मुचुकंद कहते हैं, बोले क्या, बोले भवा अपवर्ग भ्रमेत जदा जन्य सतहिर अच्युत सत्समागम। कब जीवन में साधु संग कब मिलता है, बोले 84,14,000 ब्रह्मांड भ्रमण करते करते जिस समय संसार का संपूर्ण दुख कष्ट समाप्त हो गया और हमें दुख कष्ट संसार में भोगना नहीं, बोले तहिर अच्युत सत्समागम, तभी जीवन में साधु संग होगा, है उसको पहले साधु संग में नहीं मिलेगा, है जब जीवन का सारे दुख कष्ट खत्म हो गया। इसलिए जब हनुमान जी राम को साथ में मिले, जब हनुमान जी जब श्री विभीषण को साथ में मिले, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, ये राम के सबसे प्यारे भक्त श्री हनुमान जी, फिर विभीषण क्या कहता है, आज मय भा भरसा हनुमंता बिनो हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, जो रघुवीर मई अनुग्रह किनी तो मई दरस ठेदने, आज लगता है मेरे ऊपर में भगवान राम का कोई विशेष कृपा हो गया, क्योंकि मैं कभी सोच नहीं सकता जहाँ पर चार तरफ में नर फकीर राक्षस है उसको बीच में फिर भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री हनुमान का दर्शन मिले, में तो सोच से बाहर है, बस मेरे को पता चल गया भगवान राम मिलने में और कोई देर नहीं, भगवान राम मेरे को सबसे जल्द से जल्द हमें मिलने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर हैं कहते निगाड़े वस्त्र कारो करिया जतने धुती वस्त्र तुलिकार दे हो तो अपने, महाप्रभु क्या कर रहे हैं, जैसे भक्त लोग स्नान कर लिया ना, भक्त लोग स्नान करने के बाद जैसे कपड़ा धोते हैं, महाप्रभु क्या करते हैं कपड़े को लेकर गंगा पानी में धोते हैं, कपड़े को निचड़ करके पानी निकालते हैं, करके क्या करते हैं, बोले धुती वस्त्र तुलिकार देन अपने, स्वयं महाप्रभु धुती को लेकर वस्त्र को लेकर के उसको हाथों में देते हैं महाप्रभु, बोले कुश गंगा मृतिका कार देन करे, जैसे गंगा स्नान करके कोई कुश होता है ना, है जो पूजा करते हैं, इसलिए गंगा की मिट्टी महाप्रभु क्या करते हैं, किसका हाथ में फूल, महाप्रभु स्वयं उनको भक्तों का हाथ में देते हैं। फिर साजी वही कौन दिन चले कार घरे, जब भक्त लोग साजी समझते हो जो झोड़ी है जो जिसमें फूल पूजा की सामग्री रहता है, है? जो उसको क्या बोलते हैं है? तो यहाँ पर कोई हिंदी भाषा नहीं, इसलिए जो झोड़ी है उसको लेकर के उसको लेकर के महाप्रभु उनको घर में जाते हैं, भक्तों का घर में महाप्रभु स्वयं लेकर के जाते हैं, है? जब महाप्रभु ये सेवा करते हैं ना, सब भक्त लोग कहते हैं महाप्रभु उस समय में साधारण तो थे नहीं, उस समय तो महाप्रभु का बड़ा नाम है, है? बड़े बड़े विद्वानों को जिन्होंने पछाड़ दिया है महाप्रभु का बड़ा नाम, लेकिन कोई बड़े व्यक्ति अगर छोटे व्यक्ति का सेवा करता है, पर भगवान विशेष करके अगर भक्तों का सेवा करते हैं फिर तो भक्त लोग क्या बोलेंगे, इसलिए कहते हैं हाय हाय है वैष्णवरा हाय हाय, बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम करने का जरूरत नहीं,
क्यों कपड़ा उठा रहे हो, क्यों साजी उठा रहे हो, तो कोई जरूरत नहीं। इसलिए कोई भी भक्त लोग हाय हाय करते हैं, लेकिन अपन दास रहे अपन की कर। महाप्रभु अपना भक्तों का, महाप्रभु स्वयं भक्तों का दास बन जाते हैं, हैं? इसलिए कहते सेवक जन्य सब करे निज धर्म त्याग दिए। भगवान क्या कहते हैं भक्तों के लिए, अपना जो धर्म को भी भगवान त्याग दे देते हैं। तो कहते कहां पर उन्होंने त्याग दिया, तो उन्होंने उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, बोले भीष्म, हैं? भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा किया था, भगवान ने प्रतिज्ञा किया था मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन भीष्म का प्रतिज्ञा किया था, बोले तब शांतनु तनु कहा हो जब हरि से अस्त्र कहा, तभी मैं शांतनु का बेटा हूं, हैं? अगर मैं भगवान को द्वारा अस्त्र अगर ग्रहण धारण नहीं कर पाया तो मैं शांतनु का बेटा नहीं, भगवान का प्रतिज्ञा अस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन भक्त का प्रतिज्ञा क्या है, भगवान का अस्त्र धारण कराऊंगा। भगवान कौन है, जिनकी एक इशरा से ही एक ब्रह्मांड नहीं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है, लेकिन आज भगवान क्या किए, ऐसे युद्ध कर रहे थे भीष्म, ऐसे अर्जुन को बाण मार रहा था, ऐसे बाण मार रहा था, सारा शरीर छेल गया, छील गया, खून निकल गया सबके सब अर्जुन का सारा शरीर में, जितना बार प्रत्यंचा को जो रस्सी को लगाए भीष्म तोड़ देते हैं, और ऐसे मार रहे थे ना अर्जुन, कुछ भी उस दिन नहीं कर पा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। भगवान ने देखा ये बूढ़े को क्या हो गया, हैं? कहते हैं बूढ़े को आज क्या हो गया, ये तो आज छलांग लगा लगा करके मेरे अर्जुन को लगता है तो बाण ये खत्म कर देगा, हैं? लगता है खत्म कर देगा मेरे अर्जुन को ऐसे। लेकिन महाभारत युद्ध से पहले कुंती ने क्या किया था, अपना पांच बेटे बुलाया, हैं? पांच बेटे बोला बोले कृष्ण मैं आज ये पांच बेटे को तेरे हवाल कर रहा, हैं? तुम्हारी तुमको ये पांच बेटे दे रहा हूं, इसलिए तुम ये पांच बेटे को तुम रक्षा करना। भगवान ने प्रतिज्ञा कर बुआ जी अगर ये विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा लेकिन तेरे बेटों का कोई एक बाल भी बंका होने वाले नहीं, इसलिए तुम कुछ भी चिंता मत करो, जाके राके साइया बोलो मार सके ना कोई बाल ना बांका कर सके जो जगह बैर हो, जिसको भगवान रक्षा करते हैं, जहा को रखे हुए अनंत की करी पारे बलवंत है, जिसको भगवान रक्षा करते हैं, इसलिए कहते उसका के बाल भी कोई जगत में बंका नहीं कर सकते हैं। इसलिए बुआ जी बोले चिंता मत करो इनको मैं रक्षा करूंगा। लेकिन आज कृष्ण ने देखा भगवान का प्रतिज्ञा, क्या प्रतिज्ञा, कौन ते प्रतिज्ञानी नामे भक्ता परेशति, बोले अर्जुन तो प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं। भगवान ने देखा आज मेरे प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगा, बुआ जी को मैं क्या बताऊं, अब बुआ जी को मैं बताऊं क्या। इसलिए उन्होंने भगवान ने क्या किया, भगवान को बड़ा क्रोध आया, हैं? भगवान को बड़ा क्रोध आया, भगवान ने एकदम कूद पड़े, कूद जब कूद पड़े ना भगवान जब कूद पड़े इतने में भगवान आज क्रोधित हो गए, और उठाया रथ चक्र को, जब रथ चक्र को उठाया अगर भगवान अगर क्रोधित हो जाए फिर तो विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा, हैं? प्रलय हो जाएगा। इतने में क्या हुआ, भगवान जब दौड़ रहे थे ना, हाँ? भगवान जब दौड़ रहे थे इतने में भगवान का जो उत्तरी था वो उत्तरी गिर पड़ा, कहते वो उत्तरी क्या है, कहते बलदेव प्रभु। उत्तरी को कौन है, कृष्ण का शरीर में जितने वस्त्र कौन है, स्वयं बलदेव प्रभु। जब उनने उत्तरी गिर पड़ा, मानो उत्तरी को तरह बलदेव प्रभु पृथ्वी को उनने शांत कर दिया, क्योंकि पृथ्वी का है कहते संधिनी शक्ति का अधिष्ठाता देवता कौन है, कहते से ताऊ भैया बलदेव प्रभु ने पृथ्वी को। और दूसरा कारण बताए, जब कृष्ण दौड़ रहे थे ना इतने पृथ्वी हंस रही थी, पृथ्वी हंस रही थी, बोले क्यों हंस रही थी, बोले इसलिए हंस रही थी, बोले क्यों कृष्ण अपने प्रतिज्ञा किया था ना महाभारत युद्ध में आप अस्त्र धारण नहीं करोगे, आप प्रतिज्ञा किया था ना, आज ये क्या हो रहा है, तुम प्रतिज्ञा को तोड़ करके क्यों भाग रहे हो, प्रतिज्ञा क्यों तोड़ रहे हो, इतने पृथ्वी हंस रही थी। जब हमें ज्यादा हंसी आती है हम क्या करते हैं, कपड़े से मुंह को ढक देते हैं, कपड़े को मुंह से ढक देते हैं, इसलिए मानो पृथ्वी को जो वस्त्र पड़ा पृथ्वी हंस रही थी, हाँ क्या हो रहा है श्याम सुंदर क्यों भाग रहे हो, मानो क्या उन्होंने अपना वस्त्र को मुंह में देख जो हंस रही थी ना अपना मुंह में वस्त्र से ढक रही थी, हैं? इतने में जब श्री भगवान कृष्ण गए, जब पितामह भीष्म ने देखा, देखो
मैं एक साधारण सेवक हूँ, लेकिन भगवान मेरी प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिया। भीष्म तो एकदम पानी पानी हो गए, भीष्म अपना अस्त्र को रख करके नीचे उतर आ गए और भगवान को सामने खड़े हो गए। बोले हे प्रभु, तुम्हारी एक इशारा में विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है, आज मेरी वाक्यों को रक्षा करने के लिए अपना वाक्य तोड़ दिया। प्रभु आप कितने भक्तवत्सल हो। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद यहाँ पर उदाहरण देते हैं, दूसरा उदाहरण देते हैं भगवान कैसे बसीभूत हो गए। बोले जैसे मैया जसोदा जैसे कृष्ण को उखल में बांध डाला था, जिसका बाहर नहीं जिसका भीतर नहीं जो अनंत है, लेकिन वैसे अनंत को मैया जसोदा ने किया कि जब जब रस्सी की कांट लगाती उसमें कितना अंगुल कम हो जाता था, उसमें दो अंगुल कम हो जाए, जितना बार लगाए उतना दो अंगुल, जितना बार लगाए उतना दो अंगुल कम हो जाए, हैं दो अंगुल कम हो जाता था। सवेरे से शाम तो हो गया, गोपियां हंसी उड़ा रही थी, बोले मैया तेरे लाला की ललाट में विधाता ने बंधन लिखा नहीं तो बांधोगे। बोले क्या, मेरे कोख से जन्म लिया, मैं नहीं बांध सकती हूँ, बांध करके मैं रहूंगी, ले आओ रस्सी, मैं छोड़ूंगी नहीं। एकदम सबर से शाम तक हो गया, केस खुल गया, सारे फूल बिखर गया है, सारा शरीर पसीना से तरबर हो रहा था, लेकिन मैया जसोदा अपना चेष्टा छोड़ नहीं रही थी, किसी तरह से अपना चेष्टा को वो छोड़ नहीं रही थी चेष्टा को, इसलिए छोड़ नहीं रही थी। लास्ट में भगवान ने क्या किया, बोले माता परिश्रम दृष्ट्वा कृपया आसीत सबंधने, इसलिए माँ की परिश्रम को देख करके बोले कृपया आसीत सुबंधने, कृपा करके उन्होंने बंधन को स्वीकार किया है, भैया ने नहीं बांध दिया, भगवान ने कृपा करके उन्होंने बंधन को स्वीकार किया है। बोले क्यों, कारण क्या है, बोले भक्त की वशीभूतता, भक्तों का प्रेम में भगवान वशीभूत हो जाते हैं भगवान, इसलिए यहाँ पर भगवान दिखाए। इसलिए उसमें दो अंगुल कम हो रहा था, कितना अंगुल कम हो रहा था, दो अंगुल क्यों कम हो रहा था, कौन बोले आदत हाँ अनुभव बोलो और सिर थर नीचे कर दो, हाँ बोलो, हाँ इसको सामने उसको तरफ में वीडियो कर दो, हाँ क्यों कोई देख लेगा, वैष्णव दर्शन खोल दो उसको, हाँ जोर से बोलो, हाँ बढ़िया करके बोलता हूँ, फिर शुरुआत में क्या हुआ और क्या उदाहरण है, मार्जार और हाँ बोलो क्या है, जोर से बोलो, सब देख रहे हैं सब भक्त लोग, हाँ जोर से बोलो, क्या उसमें क्या हुआ, सार बताओ उसमें क्या है, क्या उसको क्या उसमें क्या हुआ है, इसलिए कहते एक आरोह बनता और एक अवरोह बनता है, हैं? इसलिए कहते यहाँ पर जो बिल्ली जो उदाहरण दिया है, हैं? इसमें बिल्ली का जो बच्चा है वो कुछ नहीं करता है। अब देखना बिल्ली का एक स्वभाव है, वो क्या है, अपना बच्चे को पकड़ करके ना एक जगह में नहीं रखेगा, तो बच्चों को मुंह पकड़ के यहाँ से वहां ले जाएगा, वहां से फिर वहां ले जाएगा, वहां से 10 जगह घूमती रहेगी, एक जगह पर बिल्ली अपना बच्चों को एक जगह पर कहीं नहीं रखेगा, सारा पूरा घर घुमाती रहेगी, हैं? लेकिन उसकी बिल्ली की जो बच्चा कोई चेष्टा नहीं करता है, मैया हैं उसको क्या करती है, स्वयं जहां ले ले जाता है। कहते जो बंदर क्या है, कहते बंदर का जो मैया कभी बच्चे को नहीं पकड़ता है, बंदर बच्चा क्या करता है, मैया को ऐसे जोर करके पकड़ कर रखेगा, मैया यहाँ से वहां वहां से वहां को देगा, उसका एक नियम है, अगर किसी तरह से बच्चा मैया को छोड़ दिया, मतलब जब छलांग लगाती है अगर बच्चा छोड़ दिया ना, उसका मैया फिर बच्चे को पकड़ेगा नहीं, बड़ा ये है, फिर बच्चे को लेगा नहीं, हैं? उसका एक स्वभाव है। इसमें क्या शिक्षा देते हैं यहाँ पर, कहते जो दोनों चीज है जो जो दो अंगुल जो कम पड़ रहा था, कहते जो दोनों चीज है ये दोनों चीज फैले, बिल्ली न्याय मतलब अगर कोई साधक बोलेगा हाँ जब होगा होगा, सब ना करने का ये सब श्लोक याद करने का क्या जरूरत है, ये सब आरती में जाने का क्या जरूरत है, ये सब कथा कीर्तन करने का, जब होगा होगा, उसके इच्छा के बगैर एक पत्ता तो नहीं हिलता है, हम बोलते ना उसके पत्ता इच्छा के बगैर एक पत्ता भी
नहीं हिलती है, जब होगा होगा, भगवान जब करेंगे करेंगे, हैं, जब भगवान करेंगे करेंगे तब होगा, ये भी फैल है। बंदर ने आए, बंदर क्या, बच्चा क्या करता है, जोर करके अपना माँ को पकड़ करके रखता है और भैया इधर से उधर छलांग लगाता है। मतलब अगर कोई साधक ये भी सोचे मैं साधन करते 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 ना, अरे भगवान को पा लूंगा, है साधन करते 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 भगवान हमें मिल जाए, कहते भी पहल है। जमे भाई से विवृणते तन लगता तसै से आत्मा विवृणते तनुष्याम, इसलिए कहते वो भी फैल है, ये भी फैल वो भी फैल, पर क्या करना पड़ेगा, बोले दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो। बोले मिलाएंगे कैसे, है मिलाएंगे कैसे, बोले साधन हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि साधन के बगैर साध्य वस्तु कभी नहीं मिलती, साधना की जरूरत है। लेकिन वो साधन कैसे होनी चाहिए, कहते शरणागत हो गए, ऐसे नहीं हम साधन करते करते भगवान में नहीं, इसलिए शरणागत युक्त होकर प्रभु हम तो आपका साधन कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी कृपा नहीं होगा ना तब तक ये साधन फलीभूत नहीं होगा, इसलिए हे ठाकुर जी आप कृपा करो। इसलिए गोपीनाथ मम निवेदन सुना, हमें विषय दुर्जन सदा काम रत किछु नाही मर गुण, हे गोपीनाथ हमारे अंदर में कोई गुण नहीं है, इसलिए तुम ही ऋषिकेश ऋषि को दमिया, आपका नाम तो ऋषिकेश है, हमारी काम का वेग प्रबल है, अगर आप कृपा नहीं करोगे ना हम स्वयं ये काम को रोक नहीं सकते, अगर आपकी कृपा होगा फिर तो ये काम को हम दमन कर सकते हैं। इसलिए उनको शरणागत युक्त होकर के प्रार्थना करनी चाहिए, ठाकुर जी आपकी कृपा से ही सब कुछ होगा, हम तो अपना साधन कर सकते हैं, जब ये दोनों मिलेगा ना फिर जाकर काम बनेगा। इसलिए भैया कृष्ण को बांधने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन जब तक तो अपना चेष्टा लगा रहे थे ना तब तो बांधे नहीं, बंध नहीं पाए, है सबर शाम तक हो गया, सारी रस्सी खत्म हो गई लेकिन बांध नहीं पाई, क्यों, बोले मैं बांध करके रहूंगी, बांध करके, लेकिन जब बांध नहीं पाई, जब शाम तक हो गया, फिर उन्होंने क्या की, अपना गृह देवता जो नारायण, बोले ठाकुर जी सबर से शाम तक हो गया है, तू मेरे ऊपर कृपा करी, मेरे कोख से जन्म लिया, उसको बांध नहीं पा रही हूँ और ये गोपियां मेरे को हंसी उड़ा रही, इसलिए ठाकुर जी मेरे ऊपर कृपा कर। जब उनने शरणागत हुई ना, बस भगवान कृपा आसीत स्वबंधन, भगवान कृपा करके बंधन को स्वीकार कर लिया। इसलिए ये दो अंगुल होनी चाहिए, एक तो साधक का साधन चेष्टा होनी चाहिए, और साधन चेष्टा कैसे होनी चाहिए, बोले शरणागत शरणागत युक्त हो करके ये साधन, फिर जाकर ये काम पर जाकर के बनेगी है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो अनंत और असीम है, जिसका बाहर नहीं जिसका भीतर नहीं, लेकिन आज भगवान क्या किया, माँ की बंधन को ने स्वीकार किया है, इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, अरे जोर से बोलो क्या है जय, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, हरे कृष्ण। इसलिए यहाँ पर तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, बोले तीसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं, बोले कृष्ण रे बेचित बारे भक्त भक्ति रसे तार साकी सत्य भामा द्वारका निवास है। कहते कृष्ण रे बेचित बारे भक्त भक्ति रसे, बोले भक्त को अंदर में जो भक्ति रस है और भक्ति का इतने महिमा भक्ति की, इतने महिमा भक्ति को क्या कर सकता है, भगवान को भी बेच सकता है, ठाकुर को भी बेच सकता है, कितना बड़ी बात, देखो भगवान भी भगा इतने भक्ति की प्रभाव है, भगवान को सारा दुनिया को भगवान को बेच सकता है, कि भगवान बोले प्रमाण किया है, बोले तार साकी सत्य भामा द्वारका निवास है, कहते इसका प्रमाण क्या, बोले सत्य भामा है, सत्य भामा ने क्या की है, सत्य भामा ने कहते जिस समय में द्वारका में कभी उन्होंने वहां पर भी कहां पर कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ है, पूर्ण सूर्य ग्रास ग्रहण में नियम है, पर कहते वहां नियम है, बोले क्या नियम है, जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है, है? हम लोग गए थे ना इस बार स्नान करने के लिए, कौन कौन गए थे, हम लोग गए थे इसलिए कहते वहां पर नियम है, जब सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करके साधु संतों को दान दक्षिणा देनी चाहिए,
तब पूरा फल मिलता है, हैं? इसलिए अभी सत्य बाबा ने देखा कि साधु संतों कुछ दान देनी चाहिए, इतने में देखा नारद जी आए। जब नारद जी आए, नारद जी बोले देखो सत्य बाबा नियम है, सूर्य ग्रहण के बाद में स्नान करो और साधु संतों को दान दो, तभी पूरा फल मिलेगा। इसलिए देखो दान ऐसे नहीं घटिया चीज दान दे दो, सबसे बढ़िया चीज दान देनी चाहिए अपना जीवन का, है? इसलिए नहीं घटिया जो नोट चलता नहीं उसको ही, है? इसलिए तू उसको ही हुंडी में जो चलेगा नहीं उसको ही बक्स में डाल दो जा करके। इसलिए क्या लगे मेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, इसलिए तेने दिया ना, इसलिए फटा नोट को बक्से में डाल दो, नहीं सबसे बढ़िया चीज दान देनी चाहिए। बोले तुम दो दान, सबसे बढ़िया चीज दान दो। बोले तुम्हारे सबसे बढ़िया चीज कौन है? बोले हमारे तो सबसे बढ़िया कृष्ण है, क्योंकि हम कृष्ण को ही प्रेम करते, कृष्ण हमारी सबसे प्यारे हमारे कृष्ण है। बोले बोले फिर तो दान दो। बोले ठीक है। उन्होंने संकल्प किया, संकल्प करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने नारद को दान दे दिया। नारद को दान दिया तब भगवान क्या बिक गए, भगवान बिक गए नारद के पास में। जब बिक गए नारद जी ने कहा भैया चलो। बोले कहाँ ले जा रहे हो? बोले कहाँ ले जा रहे हो, मतलब आपने दान दिया ना मेरे को, साधु को दान दिया, मैं साधु हूँ, साधु को दान दिया तो इसको मुड़ मुड़ा करके चोटी रख करके और उसको गौरी के वस्त्र पहना करके है उसका हाथ में झोली दे दूंगा, माला झोली और कमंडलू। अभी साधु को दान दिया, अब साधु इसको तो हम ले जा रहे हैं बाबा बना करके ले। बोले नहीं नहीं कैसे कैसे चलेगा, हैं? इनके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते हैं। बोले रह नहीं सकते, बोले दान क्यों किया? बोले आपने बताया सबसे बढ़िया दान देनी चाहिए, हम इसलिए दान दिया, हैं? बोले नहीं हम तो इनके बगैर रह नहीं सकते। बोले अगर इनको वापस लेना चाहते हो फिर इनका विनिमय में कुछ देना पड़ेगा। बोले क्या देना पड़ेगा? बोले इनका बराबर की सुवर्ण को दान दे दो। बोले हाँ ये तो हम कर सकते हैं। बोले तराजू मंगाए, तराजू मंगा करके एक तरफ में कृष्ण को बैठा दिया और पहले पहले स्त्रियां एकदम सर से लेकर के प्यार से लेकर सर तक ढीने पहना करते थे, पूरा सारा शरीर को सोने से श्रृंगार करते थे पहले, हैं? पर सत्य भामा ने पूरा के पूरा उन्होंने उतार करके तराजू का एक तरफ में रख दिया। लेकिन भगवान को भोजन करके दे, विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है, हैं? जिनको विश्व ब्रह्मांड जिनका स्वरूप है उनको क्या दान देंगे? देखा तराजू तो टस से बस भी नहीं हो रहा है, फिर तो सत्य भामा इधर उधर झांकने लग गए। वहां पर रुक्मिणी खड़ी थी, रुक्मिणी समझ गई मतलब मेरे शरीर में सोने से कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, समझ करके फिर उसने रुक्मिणी ने सारे सोने को उतार करके रख दिया। रख दिया तो भगवान टस से बस भी नहीं हुए। इतने में सत्य भामा इधर उधर देख रही थी, फिर वहां कालिंदी खड़ी थी, वो समझ गई। फिर कालिंद ने क्या किया, सारा शरीर की जितना सोना था सबके सब उतार रख दिया टस से बस। फिर वहां पर लक्ष्मणा खड़ी थी, हैं? फिर वहां पर मित्रविंदा खड़ी थी, सारे को सारे उतार करके एक तरफ में रख दिया, लेकिन टस से बस नहीं हो रहा है। नारद जी ने कहा देखो अगर इनकी बराबर सोना नहीं दोगे ना फिर तो अपना चेले को मैं लेकर जा रहा हूँ, ये तो मेरा चेला हो गया, दान दे दिया। बोले अभी क्या किया जाए, अभी क्या किया जाए। फिर उनको पता चला यहाँ पर श्री राधा रानी आई है, बोले सबके सब चलो श्री राधा जी की शरण में जाते हैं। सबके सब श्री राधा रानी की शरण में गई। बोले ऐसे ऐसे बात है, तब श्री राधा रानी आई, बोले सब सबके सब सोना हटाओ यहाँ से, हटा करके कि तुलसी पता नहीं आओ ला करके उसमें राधा रानी आंखों का आंसू से मतलब अपना प्रेम से उसमें कृष्ण नाम लिख करके जब तराजू को दूसरे तरफ में रखा है ना, बस एकदम कृष्ण हल्का होकर ऊपर उठ गए और उधर हो गया भारी। हाँ सबके सब जयकार दिए, बोले श्रीमती राधा रानी की और कृष्ण नाम की, बोले तुलसी वृंदा देवी की। इसमें बहुत सारी चीज सिखा दिया है, एक तो राधा रानी के प्रेम को सर्वश्रेष्ठ बताए, दूसरे जो कृष्ण नाम है हरि से बड़ा हरि का नाम दिखाया, और तीसरा चीज दिखाया ये तुलसी की कितने महत्व है। तुलसी भक्त है ना, कैसे भगवान भक्तों के पास में बिक जाते हैं, भक्त का पल्ला भारी बढ़ जाता है और भगवान की पल्ला हल्का हो जाती है। इसलिए यहाँ पर सब
वृंदावन दास ठाकुर यहाँ से उदाहरणों को दे देकर समझाते हैं। बोले सवारी सिखाए गौर चंद्र भगवान, वैष्णव सेवा प्रभु करिया अपने। यहाँ पर श्री सवार सिखाए गौर चंद्र भगवान, श्री चैतन्य महाप्रभु जगत को शिक्षा देते हैं। बोले क्या शिक्षा देते हैं? बोले वैष्णव सेवा प्रभु करिया अपने, भगवान स्वयं अपने हाथों से वैष्णव का सेवा करते हुए क्या शिक्षा देते हैं? अगर मुझे कोई संतुष्ट करना चाहते हो मेरे भक्तों की सेवा करो, हमार पूजा है तो हमार भक्त पूजा बढ़ो। हाँ यही प्रभु सही प्रभु वेद भागवत कहिला दृढ़, भगवान वेद भागवत में पुराण में बोले अमार है तो हमार भक्त पूजा बढ़ो, अमार मेरे से भी मेरे भक्तों का पूजा बढ़ाए। इतने में जब महाप्रभु सब भक्तों का सेवा कर रहे थे, देखो सेवा ऐसे की चीज है ना, हम कहते ना हो गुरुदेव कृपा करो, वैष्णव ठाकुर कृपा करो। कृपा मतलब क्या है? क्री मतलब करो, पा मतलब पाओगे, कुछ करोगे नहीं। बोले कृपा करो कृपा करो, कृपा अपने आप थोड़ी होता है। हम कहते ना कृपा करो कृपा करो, नहीं कृपा मांगने का जरूरत नहीं है, मांगने से हाँ कृपा करते करते तुम्हारा क्या होगा? नहीं, कहते ऐसे सेवा करो, ऐसे सेवा करो, ऐसे कुछ करो जिसको देख करके गुरु वैष्णव अपने आप संतुष्ट हो जाए। ऐसे गुरु जी की सेवा, वैष्णव का सेवा, ठाकुर का सेवा, ऐसे सेवा करो ना जिस सेवा को देख कर वैष्णव लोग अपने आप खुश हो जाए, पर हृदय से उनकी आशीर्वाद निकलता है, हैं? इसलिए कृपा कर दो, कृपा नहीं बोलनी नहीं चाहिए, कुछ करनी चाहिए। क्री करो पा पाओगे, बिना करे कहां से मिलेगा। इसलिए यहाँ पर जब महाप्रभु ये भक्त सेवा कर रहे थे है तो उनका दिल से है, उनके दिल से आशीर्वाद निकलता था, है महाप्रभु का आशीर्वाद देते थे। हाँ बोले कृष्ण भज कृष्ण स्मर कृष्ण सुन कृष्ण नाम, कृष्ण हौक सवार जीवन धन प्राण है। इसलिए सब भक्त लोग कहते थे निमाई कृष्ण को भजन करो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण ही जीवन का प्राण धन कृष्ण हो। इसलिए तुम्हारे हृदय कृष्ण हौक प्रकाश, क्या आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे हृदय में भगवान की प्राकट हो, है प्राकट हो। इसलिए कहते भक्त आशीर्वाद करने पर अभी भक्त लोग तो बड़े खुश होंगे। बोले क्यों खुश हो गए? महाप्रभु भक्त बन गए, महाप्रभु भक्त बन गए, महाप्रभु जो भक्त बन गए फिर तो लगता है पूरा नदिया ही बदल जाएगा। देखना कोई शहर का कोई एक मैन व्यक्ति अगर भक्त बन जाए, हैं शहर का कोई गण्यमान्य व्यक्ति भक्त बन, इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, बड़े बड़े व्यक्तियों को उन्हें पकड़ा। हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जब उन्हें मणिपुर में गए किसको बतलाया? राजा को उन्होंने बदला दिया, पहले राजा को उन्होंने बदला दिया। राजा ने गले में कंठी तिलक माला लगाने लग गए, और जिस देश का राजा गले में कंठी माला तिलक लगाएगा ना फिर क्या होगा, वो देश का अपनी आप प्रजा तो है। जब हमारी जोगी, जोगी का नाम जानते ना, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, अब तुम देखे देखे होंगे ये जोगी ने जब पद में आ गया, ये जोगी और ये तो साधु, ये पहनता है ऐसे वस्त्र पूरा देखना, वहां के जो स्क्रीन जो वहां पर जो और जो जितना व्यक्ति आते थे ना सबके सब कपड़ा बदला दिया, सबके सब यही सबके सब यही कपड़ा पहनने शुरू कर दिया। क्यों? जोगी वैष्णव। जैसे मोदी अभी है, मोदी भगवान का आशीर्वाद है, भगवान उनको खूब परमायु दे, खूब फलते फूलते रहे जो हमारे श्री मोदी है। लेकिन मोदी अभी भगवान का भक्त है, भगवान को मानता है। देखना हमारे भारत में भी लोग अंदर में जो नास्तिक भाव था, हाँ कांग्रेस सरकार में जो नास्तिक, अभी धीरे धीरे लोगों के अंदर आस्तिक भावना आना शुरू हो गया, क्योंकि मानता है ना भगवान को, हाँ मानता है भगवान को, विश्वास करता है, हैं भगवान को करता है। इसलिए जब वो देवी का होता है ना क्या व्रत होता है, वो 9 दिन तक नवरात्रि व्रत रखता है, जन्माष्टमी रामष्टमी रखता है, कहते हैं। इसलिए पहले राजा लोग क्या होता था, पहले राज जैसे युधिष्ठिर महाराज, भरत महाराज है, इसलिए ध्रुव महाराज, ये सब जितने महाराज देखो सब महाराज है ना, अंबरीश महाराज सब पहले भक्त होते थे, सबका गुरु होता था और जितने सारे काम गुरु जी के आशीर्वाद से करते थे। जब राजा देश का भक्त होगा पर प्रजा तो अपनी आप भक्ति करेगा ही। अब भागवत जब पढ़ोगे देखोगे राजा लोग कैसे आ करके कैसे धर्म काम करवाते हैं, प्रजा से यज्ञ करवाते हैं, बड़े बड़े उत्सव कराते हैं, प्रजा तो अपनी आप करेगा ही, प्रजा अपनी आप है। इसलिए
कहते यहाँ पर जिस समय महाप्रभु यहाँ भक्त हो गए ना, भक्तों का छाती तो चौड़ा हो गया, भक्तों का छाती चौड़ा हो गया, क्योंकि निमाई पंडित अभी हमारे दल में आ गया है। फिर तो देखेंगे ये पाखंडियों को, हाय पाखंडियों को दुरुस्त कर देगी हैं। और कोई कोई बोल रहे थे ये पाखंडी और पाखंड नहीं रहेंगे, सबके सब भक्त बन जाएंगे ये सबके सब, क्योंकि महाप्रभु उस समय नामी व्यक्ति थे महाप्रभु हैं। इसलिए महाप्रभु ने राजा यहाँ इंद्र ये प्रताप रुद्र को पकड़े, राय रामानंद गवर्नर को पकड़े, काश्य मिश्र, सार्वभौम भट्टाचार्य जो बड़े बड़े दिग्गज थे ना, इनको उन्होंने पकड़े। इसलिए श्री नरोत्तमदास ठाकुर किया क्या, मणिपुर का राजा को उन्होंने पकड़ा, पकड़ा तो पूरा मणिपुर बदल गया। अभी भी तुम लोग परिक्रमा में जाते हो नवद्वीप देखना, उसे माताओं को देखना, सबके सब गौर की वस्त्र है, हैं गौर की वस्त्र, और उनको जो नीचे है, जो नीचे का गौर की वस्त्र ऊपर सफेद कप, और सभी गला में कंठी तिलक, हमारी नरोत्तमदास ठाकुर हम लोग का जो तिलक है ये नरोत्तमदास ठाकुर का तिलक है, सबके सब तिलक है कंठी, हाँ हाँ उनको घर घर में। और वहां पर महाप्रभु का मंदिर मणिपुर में, वहां पर तो कहते 108 मृदंग बजती है जब महाप्रभु का आरती होता है, ऐसे उन्होंने परिवर्तन किया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो भक्त हो गए ना, भक्त लोगों का तो इतने खुश हो गए हैं, बोले ये पाखंडी और पाखंड नहीं रहेंगे, अगर जो करेगा ना देख लेंगे सब इनको, इनका छाती चौड़ा हो गया है। इसलिए कहते भक्त दुख प्रभु कभु सहित ना पारे, भक्त लागे सर्वत्र कृष्ण रह बतारे। महाप्रभु अपने आप को प्रकाश कर लिया, बोले क्यों प्रकाश कर लिया, कारण है जो भक्त लोग बड़े दुखी हो रहे थे, क्योंकि जिस समय देखो, इस समय देखो समझो, इस समय राम राज्य हमारी चल रहा है, क्या चल रहा है, पहले देखो चैतन्य महाप्रभु का समय भी देखो, जब भक्त महाप्रभु अवतीर्ण हुए थे उस समय जो भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, काजी ने मृदंग तोड़ दिया, ले क्या सेवारी कीर्तन, क्या हरि हरि बोल रहे हो, ऐसे उत्पात था। कभी कभी ऐसे समय आया गले में कंठी तिलक पहन नहीं सकते हो, ऐसे ऐसे समय आया। लेकिन इसी समय में देखो सबके सब महाप्रभु का कृपा है, हम सबके सब कंठी गला में पहन कर कीर्तन कर रहे या नाच कूद कर रहे, पहले इतना आसानी नहीं था है, आसानी नहीं था ये सब चीज करना। इसलिए समझो इसी समय में है सब लोग प्रसन्न होकर कीर्तन भजन कर रहे, बड़े भाग्य की। इसलिए कहते बोले भक्त दुख प्रभु कभी सहित ना पारी, कहते भक्तों का दुख कभी ठाकुर जी सहन नहीं कर सकते, क्यों भक्त लागे सर्वत्र कृष्ण रे अवतारे, भगवान क्यों अवतीर्ण होते हैं, परित्राण आय साधु नाम विनाशाय जो दुष्कृताम धर्म संस्थापन अर्थाय सम्भवामी जुग जुग। इसलिए भगवान आते हैं भक्तों को विरह को दूर करने के लिए, दुख दूर, दुष्टों को विनाश करने के लिए, धर्म को स्थापन करने के लिए। इसलिए हम कल सुनेंगे फिर कैसे महाप्रभु भक्तों को लेकर कैसे कीर्तन करते हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की, गुरुदेव की, प्रभुपाद की। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, बोलो चलते हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राधे राधे गोविंदा।
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे बोलो हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे hare rama hare rama 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 hare 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 rama hare rama 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 hare hare jai jagatnath mahaprabhu Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Gracias.